NCIS, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जैसे कि हम पॉलिटी में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे, और आप सभी जानते हैं कि संविधान ने हमें 6 तरीके के मूल अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन समानता के अधिकार के अंतर्गत उसका वर्णन 14 आर्टिकल 14 से 18 तक किया गया है। तो हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, और आर्टिकल 15 में जाना था हमने धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, यानी कि 5 के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, और उसके बाद में आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आज हम आर्टिकल 17 और 18 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि ये सारे के जो सारे हैं 14 से 18 तक, ये सब किसकी बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, यानी समानता का अधिकार देते हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अनटचेबिलिटी को अस्पृश्यता या छुआछूत कहते हैं। सॉरी, अब क्या लिखा है आर्टिकल 17 में, सबसे पहले तो ये जानते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इंग्लिश में समझ लेते हैं इसको, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड यानी कि अंत किया जाता है, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन यानी कि निषिद्ध है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद लॉ। तो इसमें मेन दो शब्दों पे गौर करने वाली बात है, किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, एक ये होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि इसे किसका अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऑफेंस माना गया है, जो भी कोई इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना गया, और ये अपराध विधि के अनुसार दंडनीय है, पनिशेबल भी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, तो अस्पृश्यता है क्या, ये इसे कहीं डिफाइन किया गया है क्या, तो अब बात आती है अस्पृश्यता का, संविधान में या किसी एक्ट, किसी भी एक्ट में इसे डिफाइन नहीं किया गया, मतलब इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखी लिया अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय माना गया है, और ये दंड किस आधार पर दिया जाएगा, ये कानून तय करेगा, यही चीज दी है, विधि पर छोड़ दिया है यानी कि कानून पे छोड़ दिया है। अब ये कानून बनाएगा कौन, इसके बारे में भी वर्णन किया हुआ है, वो कहाँ किया हुआ है, आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 जो कि हमने देखा था किसके अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है, 12 से 35 जो हमने जाने थे कि कहां से कहां तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अब बात आती है आर्टिकल 35 कहता है क्या है, ये क्या करता है, संसद को शक्ति देता है कि अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड निर्धारित करने के लिए विधि का निर्माण करे, यानी कि जो ये विधि बनाई जाएगी इसको दंड देने के लिए, तो वो विधि का निर्माण या कानून का निर्माण कौन करेगा, संसद को ये शक्ति दी गई है। और वैसे वास्तव में इसमें आर्टिकल 35 में हमने तो यहाँ केवल शॉर्ट में इससे संबंधित बात लिख दी, लेकिन वास्तविकता में ये लिखा हुआ है कि जो भी पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इस पार्ट में कोई भी जो भी ऑफेंस या किसी पनिशमेंट के लिए जो भी हम विधि बनाएंगे, तो वो उस विधि को बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है, संसद को दी है, कोई भी कानून बनाने की इससे संबंधित, तो यही चीज यहाँ पर दी हुई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 35 ने तो ये कह दिया संसद कानून बना देगा, अब संसद ने इसके बाद में क्या कानून पास किए, हाँ किए। अब क्या क्या किए, सबसे पहले ये जानेंगे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955,
या अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, इससे संबंधित क्या दंड दिए जाएंगे, क्या रहेगा, तो ये इसमें दिया हुआ है। और इसी को 1976 में अमेंडमेंट इसमें किया गया, इस एक्ट में, और उसके बाद में इसका नाम बदल के क्या हो गया, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, या फिर कहें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स या सिविल लाइबिलिटीज एक्ट 1955। अब इसके बाद में एक एक्ट और पास किया गया, ये आपको याद रखना है, ईयर और इनके नाम क्या हैं, ये भी पूछ ले जाते हैं। फिर और इसके बाद में क्या किया गया, एससी और एसटी एक्ट, जिसके नाम से हम जानते हैं, एससी एसटी एक्ट कहते हैं। तो ये क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये संसद ने इस इनके जो छुआछूत से संबंधित उसके लिए दंड देने के लिए इन कानूनों को बनाया। अब बात करते हैं कि ये अस्पृश्यता से संबंधित जो बात की है, कहीं तो परिभाषित है नहीं, तो अस्पृश्यता माना किसे जाए, इसके बारे में किसमें, देवराज वर्सेस पद्मन्ना केस है 1958 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या मतलब इसमें क्या कहा गया, सॉरी कोर्ट ने क्या कहा, ये कहा गया, इट इज नोटिस दैट अनटचेबिलिटी वर्ड अकर्स ओनली इन आर्टिकल 17 एंड इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कामाज। अब बात आती है इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया है यहाँ पर, तो इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया है इसको, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब क्या है, जैसे ऊपर देख लेते हैं हम, क्या इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब, इन्वर्टेड कॉमर्स की बात कहाँ की गई है। अब यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया गया था, यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है, लेकिन ये जो उसमें लिखी हुई है वो इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया गया, अनटचेबिलिटी शब्द को। तो उन्होंने इसी चीज को लिखा है कि ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या ना लगाया जाए, लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस ना लगाया जाए। क्या मतलब हो गया अनटचेबिलिटी, वैसे तो छुआछूत का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे को छूने से परहेज होना, तो वो तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो और दूसरा व्यक्ति उसे ना छूना चाहे, तो क्या ये इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या ये ऑफेंस होगा, पनिशेबल ऑफेंस, नहीं ऐसा नहीं है। इसी के अलावा अगर कोई बहुत गंदा सा व्यक्ति है, गंदे कपड़े पहना है और उससे दूसरे लोग उसे मतलब बच रहे हैं, छुआ छूत उसके उसे हट से नहीं छूना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज क्या मीनिंग तो यही निकल रहा है छुआ छूत का, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक ऑफेंस हुआ, नहीं उन्होंने कहा ये सब नहीं है। तो इस केस में साफ साफ कहा गया है कि इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट हिस्टोरिकली इन द कंट्री, जो भी प्रैक्टिसेस हिस्टोरिकली रही हैं, तो वो तो हमने देखा था कि जो हमारे ऐतिहासिक रूप से रही है वो क्या रही है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहा है, यानी कि अछूत किसे माना गया था, कास्ट बेस पे माना गया था कि कुछ कार्य करने वाले इस तरीके के निम्न दर्जे के कार्य करने वाले लोगों को मतलब उनसे परहेज किया जाता था, उनको उनके साथ छुआछूत यानी कि उन्हें अछूत माना जाता था। तो उनको इन्होंने कहना चाहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो प्रैक्टिसेज हिस्टोरिकली डेवलप हुई हैं उन्हें छुआछूत के अंतर्गत आया जाए, कहा गया। तो अब ये अप्रत्यक्ष रूप से वो कास्टिज्म को ही लेके चले हैं। अब बात आती है, एक केस और है वो भी समझ लीजिए, ये क्या कहता है, ये है पीपल्स यूनियन फॉर डोमेस्टिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट अगर कोई छुआछूत से संबंधित भेदभाव करती है या फिर तो केवल उसके लिए ही इस तरीके का पनिशेबल है या फिर उसे ही ऑफेंस माना गया है, तो ये नहीं है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर कोई करता है इस तरीके का वो, तो उसके लिए भी ये उस पर भी लागू होता है, उसके भी अगेंस्ट में है। तो ये चीज़ ये जानकारी मिलती है आपको कि मतलब अनटचेबिलिटी है क्या, बस इसी को एबोलिश किया गया है इसके तरह, और ये इसलिए लाना जरूरी था क्योंकि बिना इसके, क्योंकि जब तक उसको एक अपराध ना माना जाए और उसके लिए कोई दंड ना निर्धारित किया जाए तब तक, और इसे फंडामेंटल राइट्स की तरीके से ना दिया जाए तब तक इसको समाप्त कर पाना मुश्किल था, इसीलिए संविधान ने इस तरीके का
इसे फंडामेंटल राइट्स के में आर्टिकल 17 में समानता के लिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत जोड़ा। अब बात आती है, क्या कुछ और भी मतलब इससे संबंधित कुछ किया गया है संविधान में? तो अगर हम अलग से समझें तो संविधान में जो है आर्टिकल 338 जो हम पढ़ चुके हैं, वैसे अनुसूचित जाति आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान करता है। तो ये क्या कहता है, एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। ये आर्टिकल 338 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाता है, किस लिए, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द एससी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 338 के अंतर्गत हम एक अनुसूचित जाति आयोग का, सरकार मतलब एक अनुसूचित जाति आयोग का गठन करती है, और उसका कार्य क्या रहेगा, कार्य क्या है, जो भी इनसे एससी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं और उनके सेफगार्ड्स के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेट करना और उससे संबंधित मामलों को देखना के कार्य करता है। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति आयोग है 338, वो एसटी से संबंधित मामलों को इन्वेस्टिगेट करता है और उनकी सुरक्षा के लिए देखता है मैटर्स को। तो ये कार्य ये आयोग करते हैं। तो ये चीज भी है इस तरीके से, ये भी इनसे छुआछूत से रिलेटेड चीजों को दूर करने के लिए ही बनाया गया था कि जिससे उनके साथ में कोई भेदभाव ना हो और इससे संबंधित कोई कानून में सुधार करना हो तो वो भी किया जा सके, भविष्य में भी इससे संबंधित राय देते हैं ये। अब आते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 क्या है, ये बात करता है उपाधियों का अंत, एबोलिश ऑफ टाइटल्स। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये बात करता है। अब ये समझने वाली बात है, उपाधियां क्या होती हैं। अगर हम इसे जनरली समझे, टाइटल इज ए प्रीफिक्स और सफिक्स अटैच टू वंस नेम विच डिस्टिंग्यूशेस हिम और हर फॉर द रेस्ट। मतलब कुछ ऐसी चीज जो है प्रीफिक्स या सफिक्स जो किसी के नाम के साथ लगा दिया जाए और वह दूसरों से उसे अलग दिखाए, डिस्टिंग्यूश यानी कि वही बात आ जाती है कि हम समानता की बात कर रहे हैं और यहाँ वो किसी में अंतर बना रहा है यानी कि भेदभाव, किसी को ऊंचा दिखा रहा है किसी को नीचा दिखा रहा है। और वो क्या था, किस तरीके से ये क्या कर रहा था, अंग्रेजों ने करा था स्वतंत्रता से पूर्व, वह अपनी जो उनका फेवरेबल लोग होते थे उनको राय बहादुर, राय साहब, राजा, सर, दीवान बहादुर, खान बहादुर आदि जो कुछ उपाधियां थी वो दे देते थे, जिससे वो औरों से मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति नजर आते थे, उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस भी दिए गए थे। तो अब यही चीज कहते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, इसको आर्टिकल 18 को जोड़ने का और समानता को मेंटेन करने के लिए, तो यही चीज है। अबोलिश ऑफ टाइटल क्या, किस लिए किया गया था, टू मेंटेन सोशल इक्वलिटी, समाज में समानता लाने के लिए किया गया था। इसीलिए इसे समानता के अधिकार में, मूल अधिकार में के उसमें जोड़ा गया आर्टिकल 18 को। अब क्या बात आती है इससे संबंधित, जो है इस पूरे उसमें आर्टिकल में है क्या, उपाधियां देने से संबंधित प्रतिबंध केवल राज्य पर लगाए गए हैं, क्योंकि राज्य नहीं देगा इस तरीके की उपाधियां, लेकिन राज्य को सेना या विद्या के क्षेत्र में उपाधियां देने से नहीं रोका गया। आगे समझेंगे क्या, चाहे उनका प्रयोग वह नाम के साथ क्यों ना करे, जैसे ऊपर किया गया क्या कि वो प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में ना नहीं लगा सकता, अब जो टाइटल है, लेकिन ये जो अगर सेना और विद्या से संबंधित है तो इनका प्रयोग कर सकता है। राज्य को किसी व्यक्ति के सामाजिक योगदान को देखते हुए उसे सम्मान देने से नहीं रोका गया है। आप समझेंगे कैसे नहीं रोका गया है, परंतु उस व्यक्ति को जो भी सम्मान दिया जा रहा है वह उसका उपयोग उपाधि की तरह नहीं कर सकता, यानी कि अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। अब ये अलग अलग आर्टिकल्स में समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आर्टिकल 18(1), 18 का 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 कहता है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि जो उपाधियां हैं वो सेना से संबंधित या विद्या से संबंधित संबंधी सम्मान जो है वो तो दे सकता है। अब ये क्या चीज आई, अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पर है
मिलिट्री और एकेडमिक की बात की गई है उससे रिलेटेड। अब मिलिट्री टाइटल्स कौन से कहलाते हैं, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ये सब हैं, तो ये लगाए जा सकते हैं। तो ये सम्मान के लिए दिए जा रहे हैं, और वो किस लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें वहां पर एक रैंक के आधार पर ये दिए जाते हैं, और रैंक के आधार पर ये भी पता होना चाहिए हमें अपने सीनियर का किस किसका वो डिफरेंशिएट किया जा सके। वहां पर डिफरेंशिएट किया जाना जरूरी है कि हमें किसका ऑर्डर मानना है, किसके आदेश के अनुसार चलना है, तो वो सब चीजें पता होनी चाहिए। ये क्या है, एक ये जरूरी भी है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है, मेजर, कॉलर, कर्नल और ब्रिगेडियर, इसकी जो टाइटल है ये लगाने से नहीं रोका जाता, ये लगाना है, लगाने के लिए परमिशन है इसे, मतलब ये एक सम्मान भी है। और दूसरी चीज ये है कि ये रैंक को शो करता है। अब दूसरा क्या बताता है, एजुकेशनल यानी कि एकेडमिक टाइटल कौन से हैं। एकेडमिक टाइटल की बात आती है तो जैसे डॉक्टर, कोई डॉक्टर लगा सकता है अपने आगे, ये क्या है, उपाधि कौन सी है, ये एकेडमिक है, यानी कि उन्होंने ये गेन की है अपनी शिक्षा को लेके, ये चीज गेन की है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, या डॉक्टरेट की उपाधि है, तो डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं ना लोग, तो उसके बाद में इसमें डॉक्टर लगा लेते हैं आगे, तो वो भी है, तो ये चीजें लगा सकते हैं, तो ये एकेडमिक है। तो ये चीजें मतलब इनको नहीं रोका गया, बाकी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। अब क्या बात आती है, आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 क्या कहता है, वो कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। विदेशी राज्य मतलब फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। कौन, बात हो रही है यहाँ केवल भारत के नागरिक की, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो अब सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भैया वो जाके किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात। अब इसके बाद में आर्टिकल 18(3) में क्या लिखा हुआ है, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है, ऊपर तो भारत के नागरिक से संबंधित थी, यहाँ बात आ रही है जो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है या विदेशी मतलब कहें, तो वो क्या है, राज्य के अधीन या यानी कि ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, किसी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, तो वो जो है किसी विदेशी राज्य से यानी कि फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल तब तक नहीं लेगा जब तक वो राष्ट्रपति की सहमति ना ले ले। ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे ही ले लिया बिना सहमति के, अब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है तो ले सकता है, वैसे नहीं ले सकता। विदेशी नागरिक को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता हो, बाकी कोई इससे संबंधित नहीं है, तो उससे तो वो तो अपना ले सकता है, उससे कोई नहीं रोका गया है। अब 18(4) क्या कहता है, 18(4), राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, यहाँ पर सभी आ गए, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य उसके अधीन किसी रूप में, अब यहाँ पर कोई विदेशी राज्य से ना तो कोई भेंट लेगा, ना कोई यानी कि प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड, मतलब कोई भी पद नहीं लेगा वहां से, कोई भेंट नहीं लेगा, कोई उपलब्धि नहीं लेगा, कब तक नहीं लेगा, राष्ट्रपति की सहमति के बगैर, राष्ट्रपति की सहमति के बाद में ले सकता है। तो ये चीज हमने जानी, अब आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित ये सब तो हमें पता लग गया, क्या कहते हैं आर्टिकल 18 के 1 से लेके 4 तक क्लॉज। अब इसके बाद में कुछ चीजों पे मतलब डिस्कशन भी हुए, जैसे टाइटन वर्सेस अवार्ड, तो जो अवार्ड दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो कि 1954 से प्रारंभ किए थे सरकार ने देना, तो इन्हें क्या उपाधि माना जाए, क्या ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये आर्टिकल 18 को वायलेट करते हैं क्या। अब सबसे पहले तो इनका इतिहास जान लें, जैसे कि हमने मान जाना कि ये कब देना शुरू हुए, सबसे पहले 1954 में देना शुरू हुए, और 1977 में
इन्हें मोरारजी देसाई की के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इन अलंकरणों को देना बंद कर दिया। फिर 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा आई, मतलब सत्ता में वापस लौटी, तो इन्होंने फिर इस परंपरा को शुरू कर दिया। अब एक जो है ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो सबसे पहले इसके हम ये देखते हैं कि इससे संबंधित एक केस के बारे में जानते हैं। एक है बालाजी बनाम भारत संघ, 1996 का एक केस है। तो उसमें जो ये अवार्ड्स थे इनके अगेंस्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी। उसमें क्या कहा गया था कि ये जो सारे जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं इनका लोग ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट में है, और दूसरी बात यह है कि इनका लोग मिसयूज करते हैं अपने नाम के आगे लगाकर, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये चीजें ये हैं, ये आर्टिकल 18 का वॉयलेशन है। तो अब ये बात समझते हैं कि आखिर टाइटल और उसमें अंतर है क्या। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए जाता है कि ब्रिटिश रूल में जो टाइटल दिए जाते थे वो किसी मेरिट के आधार पर नहीं दिए जाते थे, बल्कि वो शो क्या करते थे, क्राउन के प्रति अपनी लॉयलिटी शो करते थे। ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते थे, ये सरकार देती थी उस समय ब्रिटिश रूल में, क्योंकि जो उनके फायदे के लोग होते थे, जिनसे उन्हें लाभ होता था, तो वो भी लोग ये टाइटल लेना पसंद करते थे, क्योंकि वो उस क्राउन के या उस सरकार के प्रति अपनी लॉयलिटी को शो करते थे, इसलिए उन्हें दिए जाते थे। जबकि अवार्ड्स की बात आती है, जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये अवार्ड्स जो हैं वो किसी की मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में दिए जाते हैं ना, तो ये क्या है, उस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान को दर्शाते हैं और उस क्षेत्र में उनके उनके द्वारा किए गए विकास को दर्शाते हैं। और इसके साथ साथ जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ये लोगों को इनक्रेज करते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हें देख के कुछ स्पेशल करें। तो यहाँ पर तो इसका मतलब अंतर तो समझ में आता है, लेकिन अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट की बात जानते हैं। उस केस में कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं यही सारे, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि, तो ये क्या आर्टिकल 18(1) में प्रयुक्त उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो सरकार को देने को रोका, मना किया गया है, तो उसके हिसाब से ये उसके अंतर्गत आते ही नहीं है, अर्थात ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार या इस तरह का सम्मान दे सकती है। अब बात आती है एक चीज पर, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन तब भी लगा दी। न्यायालय ने कहा जिस अलंकरण से सम्मानित व्यक्ति जो भी है वह इस तरीके की उपाधि या फिर मतलब ये अवार्ड जो उसको मिलता है का को जो है अपने नाम के पहले या बाद में नहीं लगा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न माना जाता है, दिया गया है, तो भारत रत्न का अवार्ड मिला है उनको, तो अब वो लिखना चाहें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जैसे लोग लिख देते हैं डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हूँ, ये उनकी पत्नी है वो डॉक्टर है, वो अपने नाम के डॉक्टर अंजलि लिख सकती हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिख सकते, क्योंकि तो उनकी पत्नी को जो डॉक्टर अंजलि दी गया उपाधि, तो वो जो है वो एकेडमिक है, उसको नहीं रोका गया, लेकिन भारत रत्न को यह सम्मान तो उन्हें बहुत बड़ा मिला है, लेकिन वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। वैसे दूसरे लोग उन्हें भारत रत्न कहते हैं, सब कुछ है, लेकिन अब वो कहीं भी लिखेंगे तो मेंशन नहीं कर सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, उन्हें अपना नाम ही लिखना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर केवल। अब ये बात आती है, अब बात आती है कि और सरकार ने इसके बारे में क्या कहा। सरकार ने 15 आर्टिकल 15(1), वो 15(1)(51) है जो, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है 51A में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 51A में है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसका जो जे है उसमें क्या कहा गया उसको भी मेंशन किया उन्होंने। कहा इस जे को समझते हैं पहले क्या लिखा है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो ये व्यक्तियों से कुछ कर्तव्यों को निभाने की बात की गई है, तो वही बात की गई है, तो अब सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोग अपने क्षेत्रों में कोई विशेष कार्य करें तो उन्हें ये चीजें दी जा सकती हैं सम्मान। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 18 क्या कहता है और आर्टिकल 17 क्या कहता है जाना। मानविका WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।